विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। सपनों को हकीकत बनाता मध्य प्रदेश, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत, और केंद्र में बसा है इसका हृदय स्थल मध्य प्रदेश। इसकी सरजमी पर विकास के अपार अवसर मौजूद हैं। यहाँ सपनों का संगम हकीकत से होता है और भविष्य को सवारा तथा निखारा जाता है। तभी तो राज्य में 1,25,000 एकड़ से ज्यादा औद्योगिक लैंड बैंक पर एक से बढ़कर एक उद्योग धंधे पनप रहे हैं, जिसमें सहयोग करता है राज्य का औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त जलापूर्ति, गुणवत्तापूर्ण सरप्लस विद्युत उपलब्धता और कुशल मैन पावर। राज्य में औद्योगिक विकास की कहानी में नए सोपान को जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 नवीन विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। पहली परियोजना जिला नर्मदापुरम में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र है। करीब 227 एकड़ में फैली ये परियोजना 3,300 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर 6,600 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना 75,400 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे 1,72,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। मालवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने वाली इस परियोजना को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भरपूर लाभ मिलेगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर के साथ ही अन्य सेक्टर्स के उद्योग स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का, तो हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करें। इंदौर में आईटी पार्क 3 और 4 के होने से आईटी एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज यानी आईटीईएस के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मध्य प्रदेश तैयार हो चुका है। इस पहल से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मक्सी, शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगर, मालवा और नर्मदापुरम में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की भी योजना है। ऐसी रणनीतिक पहल का लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं में 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित होगा। इन विकास परियोजनाओं से राज्य के लगभग 33,000 नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये परियोजनाएं राज्य में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रदेश के नागरिकों के लिए आशा, विकास और उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित करती हैं। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।